अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम कम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डेनिस जीजल इनकी बुक से एक्सरसाइज 1.2 के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पीछे वाले लेक्चर्स में हमने 1 से लेके 8 तक, फिर 9 से लेके 26 तक क्वेश्चन सोल्व किए थे। तो आज के लेक्चर में हम 27 से लेके 32 तक क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। कहता है इन प्रॉब्लम्स 27 एंड 28, मसला नंबर 27 और 28 में establish the given inequality, जो equality हमें दी गई है उसको हमने establish करना है। ठीक है, तो चलिए आइए हम start करते हैं। Question number 27 है, कहता है if अगर z bar हमारे पास 2 के equal हो, z का modulus 2 है, then z plus 6 plus 8 iota, ठीक है ना, ये less than हो, less than equal to हो 13 से, ठीक है, less than or equal to। तो पहले यहाँ पे मैं आपको ट्राइंगुलर इनक्वालिटी के बारे में बता देता हूँ जो हम पढ़ के आए थे। ठीक है, तो पीछे वाले लेक्चर्स में हमने सीखा था कि z1 और प्लस z2 अगर इसका हमारे पास ये मॉडुलस हो तो ये लेस देन इक्वल टू होता है z1 मोड प्लस z2 मोड। इसको कहते हैं ट्राइंगुलर इनक्वालिटी, ट्राई एंगुलर इनक्वालिटी। ठीक है, और लेकिन अगर इसको मज़ीद अगर देखें, यानी कि अगर कंप्लीट इनक्वालिटी देखने की कोशिश करें, तो ये हमारे पास ये ट्राइंगुलर इनक्वालिटी है। ठीक है, लेकिन अगर इसको ये तो प्लस प्लस में अलग-अलग कर दिया, अगर माइनस माइनस में अलग करने हो तो ये इस तरह आएगा z1 मोड z2 मोड और इसका मोड। ठीक है, ये वाले इस ये इनक्वालिटी है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ अपर का कह रहे हैं ना, तो मैं आपको लोअर भी फाइंड करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ तो सिर्फ लेस देन वाली यानी कि ये वाली उन्होंने की हुई है ना, तो मैं ये भी आपको करके दिखाऊंगा, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें अपर का भी पता हो लोअर का भी, तो दोनों हमारे लिए सॉल्व हो सके। ठीक है, वैसे अगर उन्होंने अपर दी हुई है तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली हमने करनी है। ठीक है, वैसे हम दोनों फाइंड कर लेते हैं, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें जी का मोड प्लस 6 प्लस 8 एटा, ये नहीं आना। ठीक है, अगर इस चीज़ को मैं इस तरह लिख लूं, यानी कि z प्लस और 6 प्लस 8 एटा, यानी कि इसको एक चीज़ तसव्वुर कर लिया और इसको एक चीज़। ठीक है, तो अब ये इनक्वालिटी मैं यूज़ करने लगा हूँ, बाय इनक्वालिटी वी गेट, जब इनक्वालिटी यूज़ करूँगा तो क्या बनेगा, z प्लस 6 प्लस 8 एटा जो है इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन इक्वल टू आएगी जी की मैग्नीट्यूड और प्लस 6 प्लस 8 एटा की मैग्नीट्यूड। ये क्यों हुआ, जब z1 प्लस z2 दिया गया हो, एक कम्प्लेक्स नंबर प्लस दूसरा दिया गया हो, तो जब इसको प्लस में लेता लेता करें तो इस तरह आ जाएगा, और ये लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू किससे आएगा, दोनों को लेता लेता किया दरमियान में माइनस और दोबारा मोड। ठीक है, तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू लिखेंगे तो क्या आएगा, z1 का मोड माइनस 6 प्लस 8 एटा का मोड और इस सारे का मोड। ठीक हो गया, अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास z प्लस 6 प्लस 8 एटा का जो ये मोड है, लेस देन इक्वल टू z का मोड हमें गिवन है, कितना है ये देखें, कितना 2 है, तो इसका आंसर आ गया 2, और प्लस इसका मॉडुलस फाइंड करना है तो रियल वाले का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वाले का स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो z का मोड कितना है, 2 है, और माइनस इसका मोड कितना आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो देखें स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये इसका मोड ये इस तरह आ जाएगा 2 और माइनस ये स्क्वायर रूट के अंदर 6 6 बार 36 प्लस 8 8 बार 64 इसका मोड, और ये लेस देन इक्वल टू z प्लस 6 प्लस 8 एटा, और ये लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 6 6 बार 36 प्लस 8 8 बार 64। ठीक है, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास आ जाएगा z प्लस 6 प्लस 8 एटा लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 36 प्लस 64 100 इसका स्क्वायर रूट, और ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 माइनस 100 का स्क्वायर रूट और इसका मोड, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 10 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू z प्लस 6 प्लस 8 एटा और लेस देन इक्वल टू 2 प्लस ये 10। ठीक है, तो ये हमारे पास 10 में से माइनस 2 माइनस 10 किया तो ये माइनस 8 आ जाएगा, कितना माइनस 8, माइनस 8 का मोड लेस देन इक्वल टू z प्लस 6 प्लस 8 एटा लेस देन इक्वल टू 12 आ गया। अब ये माइनस वैल्यू भी मॉडुलस में प्लस हो जाती है, तो प्लस 8, ठीक है, लेस देन इक्वल टू z प्लस 6 प्लस 8 एटा और ये लेस देन इक्वल टू है 12 के, तो ये हमारा प्रूव हो गया।
ठीक है, और ये इनक्वालिटी हमने इस्टेब्लिश करवा दी। यहाँ पे 13 लिखा है ना, तो क्वेश्चन में मिस्टेक होगी, यहाँ पे 12 आएगा। ठीक है, और वैसे भी अगर हम देखें तो ये इनक्वालिटी 13 या 13 से छोटी रहेगी ना, यानी कि इसकी वैल्यू तो एक वक्त में एक ही दुरुस्त होगा। तो जब ये इक्वल टू वाली यानी कि 12 भी आ जाए, 11 भी आ जाए, तो बल्कि 12 ही आएगा यहाँ पर। ठीक हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। बिल्कुल इसी तरह है वो, आप ये आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो देखने से पहले खुद करने की कोशिश करिएगा। ये कहता है कि इफ़ जी का मोड 1 के इक्वल है, देन इस इनक्वालिटी को ना आप इस्टेब्लिश करें। ठीक है, इनक्वालिटी कौन सी है, इसको चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें जी का स्क्वायर माइनस 3 है ना, तो इनक्वालिटी यूज़ करूँगा इस पर, तो बाई यूजिंग इनक्वालिटी। इनक्वालिटी क्या कहती है, ये हमें कहती है कि अगर दो चीज़ों का सम या इसको मैं लिख लेता हूँ, देखें जी टू और प्लस माइनस 3 इस तरह। ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू होगा इसका मोड और प्लस माइनस 3 का मोड, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगी किससे, इसका मोड और माइनस 3 का मोड और इसका मोड। ये वाली चीज़ जो है हमारे पास ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगी। अब मोड में से स्क्वायर जो है वो बाहर भी चला जाता है, और माइनस 3 का मोड प्लस 3 हो जाएगा, और इसी तरह ये मोड में से बाहर भी चला जाएगा, और ये माइनस बाहर वाला, और ये इसका मोड 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का। अब ये देखें, ये बन जाएगा जी स्क्वायर माइनस 3, इसका मोड लेस देन इक्वल टू जी स्क्वायर। अब यहाँ पे जी की वैल्यू 1 दी गई है, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 3 यहाँ पे 1 का स्क्वायर और माइनस 3 और इसका मोड, ये आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 3, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 2, 1 माइनस 3 आंसर आ जाएगा माइनस 2, और इसका ये मोड, तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस 3, इसका मोड लेस देन इक्वल टू आ गया 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया 2। तो ये हमारे पास इनक्वालिटी इस्टेब्लिश हो गई यहाँ पे, और यही हमने साबित करना था कि ये क्या है, लेस देन इक्वल टू 4 है और ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है, 1 के, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, 2 आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, तो 2 कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, जिसमें हमने इनक्वालिटी इस्टेब्लिश की थी। तो दोबारा मैं बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ यूज़ की, ये वाली लेस देन इक्वल टू होगा z1 का मोड प्लस z2 का मोड, और ग्रेटर देन इक्वल टू होगा z1 का मोड और माइनस z2 का मोड और इसका भी मोड। ठीक है, ये वाली इनक्वालिटी हमने यूज़ किया यहाँ पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पे। ये देखें, कहता है फाइंड एन अपर बाउंड फॉर द मॉडुलस, यानी कि फॉर द मॉडुलस, यहाँ पे मॉडुलस नहीं आना पे। ठीक है, मैं ब्रैकर लगा देता हूँ। कहता है कि इसके मॉडुलस की अपर बाउंड को फाइंड करें, ठीक है, अगर जी का मोड लेस देन इक्वल टू है, यानी कि इसकी अपर बाउंड फाइंड करनी है। ठीक है, तो यानी कि अपर बाउंड ऑफ किसकी, 3z² और प्लस 2z और प्लस 1। ठीक है, इसकी अपर बाउंड जो है फाइंड करनी है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये आ जाएगा 3z² और प्लस 2z और प्लस 1। ठीक है, इसका मोड। अब वो ट्राइंगुलर इनक्वालिटी जो है ना, वो 3 चीज़ों पे भी लग जाती है, यानी कि z1 प्लस z2 प्लस z3, ये है ना इसका मोड है। तो ये लेस देन इक्वल टू होगा z1 मोड प्लस z2 मोड और प्लस z3 मोड। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जब इस पे हम लगाएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, जब इस पे ट्राइंगुलर इनक्वालिटी लगाएंगे तो ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 3z² प्लस 2z और प्लस 1 का। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा लेस देन इक्वल टू 3 बाहर आ गया, ये z² का मोड प्लस 2 बाहर आ गया z का मोड और प्लस 1 का मोड, लेस देन इक्वल टू 3² बाहर आ गया प्लस 2 और ये z और प्लस 1 का 1 नहीं होता है, तो ये लेस देन इक्वल टू 3। अब इसका मोड किससे है, लेस देन इक्वल टू 1 है। जब लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये चीज़ भी सारी जो है ये लेस देन इक्वल टू होगी इस चीज़ से। ठीक है, ये देखिए, ये वाली चीज़ लेस देन इक्वल टू, ये वाली चीज़ ऐसे है ना। तो अब जब ये z मोड लेस देन इक्वल टू 1 है, जब ये वैल्यू पुट करूँगा तो ये वाला आंसर इससे लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। तो यही चीज़ तो लिखी हुई है, देखना एग्जांपल देता हूँ। x लेस देन इक्वल टू है y से, ठीक है, और मैं कह देता हूँ y लेस देन इक्वल टू है z से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जब y की जगह पे z पुट करूँगा ना तो ये इस तरह बन जाएगी। ठीक है, यानी कि y भी तो इससे लेस देन ही है, तो ये वाला बिल्कुल इसी तरह, अगर ये इससे लेस देन, वही कीमत लिखी हुई है, तो ये इसकी वैल्यू पुट करूँगा 1 यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई ये 1 आ जाएगा और प्लस 1, तो ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और प्लस 1,
तो ये आ जाएगा हमारे पास लेस देन इक्वल टू 3 + 2 + 1, तो ये आ गया 3z² + 2z + 1 इसका मोड लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। और ये हमारे पास अपर बाउंड ऑफ आ जाएगी किसकी, इसकी 3z² + 2z + 1 की, ठीक हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। चलें जी, वो कहता है फाइंड एन अपर बाउंड फॉर द रेसिप्रोकल ऑफ द मॉडुलस ऑफ इफ जी बार इज इक्वल टू, कहता है कि आप ना अपर बाउंड फाइंड करें, ठीक है। अपर बाउंड किसकी, रेसिप्रोकल, इसके रेसिप्रोकल की, ठीक है, इसके रेसिप्रोकल की। तो यहाँ पे एक मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, देखें कि अगर हमारे पास आ जाए एक्स, यानी कि यहाँ पे अगर मैं बता दूँ कि अगर मेरे पास आ जाएगा एक्स, एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू है 5 से, ठीक है। तो ये 5 उधर जाकर डिवाइड होगा, तो ये बन जाएगा 1 < 5, और एक्स के ये 5 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/5 < 1/x के। तो इस चीज़ को अगर मैं लिखूँ तो बन जाएगा 1/x > 1/5। तो देखें इस चीज़ की अपर बाउंड क्या आ गई है इसकी, और ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ एक्स है, ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ एक्स है। तो अगर हमने एक्स के रेसिप्रोकल की अपर बाउंड फाइंड करनी है, क्या है, एक्स रेसिप्रोकल ऑफ एक्स है ना ये सारा, तो अगर हमने रेसिप्रोकल ऑफ एक्स की अपर बाउंड फाइंड करनी है, तो इसका मतलब हम एक्स की लोअर बाउंड फाइंड करेंगे। तो इसी तरह अगर हमने इसके रेसिप्रोकल की अपर बाउंड फाइंड करनी है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी हम लोअर बाउंड फाइंड करेंगे, तो यानी कि इसकी लोअर बाउंड, ठीक है, इसकी लोअर बाउंड फाइंड करने लगे। तो इसकी लोअर बाउंड फाइंड करने से पहले ये हमें एक छोटा सा हिंट दिया गया है, क्या, कि ये किसके इक्वल है, z² - 3 के और z² - 2 के। अगर ना भी दिया हो तो हमने जोड़े बना लेने थे, ठीक हो गया। जोड़े बनाए बगैर भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। चले, उन्होंने हिंट दे दिया तो ये बेहतर है। तो देखें जी, यानी कि इसकी अब हम लोअर लिमिट फाइंड करने लगे, इसकी लोअर लिमिट फाइंड करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो वो उसकी अपर लिमिट बन जाएगी, ठीक है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं, देखें लोअर लिमिट कैसे फाइंड करेंगे। z^4 - 5z² + 6 इसकी लोअर लिमिट फाइंड करने लगे हैं, ठीक है। ये चीज़ किसके इक्वल है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये चीज़ इक्वल है किसके, z² - 3 और z² - 2 इसके, और इसका मोड। और आपको पता है कि अगर हमारे पास मोड आ जाए z1 z2 का मोड, तो ये लैदा हो जाता होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवीजन में लैदा हो जाता होता है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, z² - 3 इसका मोड, z² - 2 इसका मोड, ठीक है। तो अब इसको आगे सॉल्व करने लगा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी, ये चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी किससे, इसका मोड जब अलग-अलग करेंगे तो ये इस तरह, और -3 और ये इसके इस तरह, ठीक है। ये सारा मैं आपको बता के आया हूँ, यहाँ बल्कि यहाँ भी माइनस लगेगा ना, इसको आप प्लस माइनस में लिख लें, और ये -2 है, ठीक है। यानी कि एक कदम आगे और बढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा, यानी कि इस तरह हमने इसको लिख लिया, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह फिर नेक्स्ट इसका जो स्टेप बनेगा, ये बनेगा z² - -2 और इसका मोड, ठीक है, इसका मोड भी। तो ये z² का मोड स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और -3 का मोड 3 होता है, और ये z² इसका स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और -2 का स्क्वायर और मोड 2 होता है, ठीक है। और ये हमारे पास बनेगा z का मोड हमें गिवन है कितना, 2 है, ठीक है। तो 2 वैल्यू पुट कर दूंगा, 2 - 3 इसका मोड, और ये 2 के मोड का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी 2 के मोड का स्क्वायर और -2 इसका, ये चीज़ वैसे ही रहेगी। और यहाँ से अगर देखूँ तो ये 4 बन जाएगा, 4 - 3 का मोड, ये बन जाएगा 4 - 2 का मोड, ये 4 में से 3 गए 1, 4 में से 2 गए 2, 2 × 2 इसका 1 ही है, इसका आंसर 2 ही है, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। अब यहाँ से देखें, यहाँ से आगे सॉल्व करता हूँ, बाय रेसिप्रोसिंग वी गेट, जब इसको रेसिप्रोस करेंगे तो ये जो अगर ये है ना, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी और ये बटे में आ जाएगी, ठीक है। और ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन है, तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा किससे, 1/2 से। और हम चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की मोड, यानी कि जिससे फार्मूला हमने निकाला था,
वो चीज़, ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू, तो ये इसकी अपर बाउंड आ गई है। फ़र्ज़ किया कि अगर हमने इसकी लोअर बाउंड भी फाइंड करनी हो तो फिर वो किस तरह करेंगे, तो चलिए आइए यहाँ पे इसकी लोअर बाउंड में फाइंड करके दिखाता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि आपको पता है कि ट्राइंगुलर इनक्वालिटी क्या कहती है, ये ट्राइंगुलर इनक्वालिटी है ये वाली, ठीक है, ये इतनी ट्राइंगुलर इनक्वालिटी है। आगे मज़ीद देखिए कि ये हमारे पास इस तरह आ जाएगी। पहले हमने इस चीज़ को यूज़ किया था, अब साथ ही इसको यूज़ करने लगे, ठीक है। जब यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर का मोड लेदा और -3 का मोड लेदा, ठीक है, -3 का मोड, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जी स्क्वायर का मोड लेदा और प्लस -2 का मोड लेदा, ठीक है। ये हमारे पास लेस देन इक्वल टू जी स्क्वायर का मोड यानी कि जी मोड का स्क्वायर और +3 हो जाएगा ये, और मल्टीप्लाई बाय जी के मोड का स्क्वायर और +2 हो जाएगा ये। लेस देन इक्वल टू क्योंकि माइनस है तो मोड में प्लस हो जाता होता है, और ये जी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 के मोड का स्क्वायर यानी कि 2 के मोड का स्क्वायर और +3, और ये बन जाएगा हमारे पास 2 के स्क्वायर का मोड, 2 के मोड का स्क्वायर और +2, और लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 का मोड 2 ही होता है, 2 का स्क्वायर +3, और ये 2 का स्क्वायर, 2 का मोड 2 ही होता है, 2 का स्क्वायर +2। ये आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 + 3, ये 2 का स्क्वायर 4 + 2, तो ये 7 × 4 = 2 4 × 5 = 6, और ये बन जाएगा 42। और ये अपर बाउंड हुई है तो ये जब रेसिप्रोकल करेंगे तो इसकी लोअर बाउंड बन जाएगी, ठीक है, यानी कि ये इस तरह बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी लोअर बाउंड क्या आ जाएगी, ये वाली, ठीक हो गया। तो ये बस कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे। अब ये क्वेश्चन इजी है, इस क्वेश्चन में कहता है इन प्रॉब्लम्स 31 और 32 मसले नंबर 31 और 32 में फाइंड अ नंबर जी, जी फाइंड करना है हमने डेट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो जी किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस एटा वाई के, तो हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है, यानी कि एक्स की कोई ना कोई कीमत आएगी, वाई की कोई ना कोई कीमत आएगी, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 31 को देखें तो ये एक्स प्लस एटा वाई इसका मोड और माइनस जी की जगह पे एक्स प्लस एटा वाई और इक्वल टू 2 + एटा आ गया। इसका मोड है तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह, ठीक है, यानी कि रियल का स्क्वायर प्लस कम्प्लेक्स का मॉडुलस इस तरह फाइंड करते हैं, और ये माइनस एक्स माइनस एटा वाई और इक्वल टू बन जाएगा 2 + एटा। अब नेक्स्ट यहाँ से देखें तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी ब्रैकेट भी लगा लूँ तो ये ब्रैकेट यहाँ पे लग जाएगी और ये ब्रैकेट इस पर, ठीक है। तो बाई कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, बाई कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करने से हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट और माइनस एक्स इक्वल आ जाएगा 2 के, और जब इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे तो माइनस वाई इक्वल आ जाएगा 1 के 1 एट, ठीक है। तो वाई की कीमत यहाँ से -1 और यहाँ से अगर हम देखें तो एक्स उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू 2 + एक्स हो जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, दोनों तरफ हमने स्क्वायर लिया, ये इससे कट गया तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 + एक्स स्क्वायर और +2ab, तो ये 4x बन जाएगा। एक्स स्क्वायर से कट हो गया तो वाई स्क्वायर इक्वल टू बन गया 4 कामन आ गया, तो x + 1 बन गया, ठीक है। तो वाई की यहाँ से ये वैल्यूज आ गई, तो -1 वाई की वैल्यू कितनी है, -1 है, -1 यहाँ पुट करें, -1 का स्क्वायर इक्वल टू 4x + 4, तो ये +1 हो गया इज इक्वल टू 4x + 4, तो ये 4 उधर जाके माइनस का हुआ तो 4x = -3 बन जाएगा, 1 - 4, ठीक है, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी -3/4, तो ये एक्स और वाई की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा जी इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू -3/4 और वाई की वैल्यू माइनस, तो -8 बन जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 31। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। वो कहता है वो जी फाइंड करें जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, तो इसके ऊपर स्क्वायर भी है, तो चलिए देखें जी की जगह पे x + 8y और इसका मॉडुलस और इसका स्क्वायर +1 + 12 = 6, जी की वैल्यू x + 8y आ जाएगी। यहाँ से देखें तो अगर ये x² + y² का स्क्वायर रूट और होल का स्क्वायर +1 + 12 = 6x + 6y आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल, तो आ जाएगा x² + y² + 1 + 12 = 6x + 6y। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हमने कंपेयर किया तो क्या आएगा, ये सारा रियल है तो आ जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू सिक्स एक्स। यहाँ से क्या आएगा, 12 इज इक्वल टू सिक्स वाई। तो छः बार छः छः दो बार बारह, वाई की कीमत कितनी आ गई, टू। ये वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि दो का स्क्वायर चार, और प्लस वन प्लस सिक्स एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस और इक्वल टू सिक्स एक्स है, तो ये माइनस सिक्स एक्स आ जाएगा, चार और एक पाँच इक्वल टू जीरो। अब इसके जोड़े बना के देखें, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, इसके जोड़े बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फाइव एक्स और प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। एक्स कामन आ गया तो एक्स माइनस वन, माइनस फाइव कामन आ गया एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक्स की एक वैल्यू वन आ जाएगी, एक फाइव आ जाएगी, ठीक है। अब एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की दो वैल्यूज आ रही हैं, तो यहाँ से दो बनेंगे, एक जी वन और एक जी टू। जी वन हमारे पास आ जाएगा जब वैल्यू वन पुट की एक्स की, तो वन प्लस टू एओटा आ जाएगा। जब वैल्यू हम टू पुट करेंगे, ये वाली पुट करेंगे, तो आ जाएगा फाइव प्लस टू एओटा, ठीक है। तो ये हमारे पास दो जी की वैल्यूज़ होंगी जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके मॉडुलस की पावर टू है ना, तो और इस तरह दो ऐसी वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। तो हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो है कंप्लीट हुई। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।